नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बॉलीवुड के साल 2024 की एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर फिल्म फाइटर के बारे में, जो कि इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने 3 दिन पूरे कर चुकी है। दोस्तों आज ये फिल्म का 4th दिन। तो अगर आप इस फिल्म को देख चुके हैं और जानना चाहते हैं कि ये फिल्म शुरुआती 4 दिनों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से कितनी कमाई कर चुकी है और ये फिल्म हिट हुई या फ्लॉप, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ऑडियंस से मिले आउटस्टैंडिंग रिस्पांस के बाद सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर ने अपने शुरुआती 3 ही दिनों में लगभग 147 करोड़ की धमाकेदार कमाई दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से कर ली है। और दोस्तों ऐसा करने के बाद यह फिल्म 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों आज अपने 4th दिन भी ये फिल्म मॉर्निंग से लगभग संडे होने की वजह से 40% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई। और दोस्तों आज के दिन के लिए इस फिल्म की एडवांस बुकिंग 10 करोड़ से भी ज्यादा की, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज के दिन ये फिल्म एक बार फिर से इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 40 करोड़ तक की कमाई करने वाली है। और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से फिल्म का आज का कलेक्शन लगभग 55 से 60 करोड़ का आने वाला है। इसी के साथ फिल्म फाइटर का शुरुआती 4 दिनों का कलेक्शन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से लगभग 200 करोड़ से भी ज्यादा का हो जाएगा। और दोस्तों इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म का कलेक्शन लगभग 134 करोड़ का हो जाएगा। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों तक में ये फिल्म काफी अच्छी कमाई करने वाली, अपने लाइफ टाइम में ये फिल्म 250 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से करते हुए एक हिट फिल्म बनने वाली है। तो दोस्तों आप सभी को ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।